ये वीडियो क्राफ्टलाइन बिगनर्स गाइड का लेसन 1 है, जिसमें मैं क्राफ्टलाइन के बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हुए कई वीडियो पार्ट बनाने वाला हूँ, जिससे फ्री फायर प्लेयर्स जो क्राफ्टलाइन के बारे में कुछ नहीं जानते वो भी मेरी वीडियो सीरीज देखकर खुद का मैप क्रिएट करना सीख सके। सबसे पहले क्राफ्टलैंड टैब में आना है, उसके लिए यहाँ क्लिक करो, फिर इस बटन से क्राफ्टलैंड पेज ओपन होगा। मैप क्रिएट करने के लिए आपको स्टूडियो में आना है। यहाँ आपको 5 एम्प्टी स्लॉट मिलेंगे, किसी एक स्लॉट को सिलेक्ट करके क्रिएट मैप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे मोड मिल जाएंगे, सारे मोड के डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ से किसी भी एक मोड को चुन लो। लेफ्ट में 50x50 साइज का मैप है और राइट में 100x100 साइज का मैप है। किसी भी एक को चुनकर मैप क्रिएट करो। मैप क्रिएट करते ही आप मैप एडिटर में आ जाओगे। जॉयस्टिक यूज करके कैमरा मूवमेंट कर सकते हो। यहाँ से आप व्यू हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। इस बटन से आप फ्री कैमरा और थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव को स्विच कर सकते हो। आपको जिस पर्सपेक्टिव से मैप एडिट करना है उसे चुन लो। इससे आपका कैमरा हाई एंगल पर सेट हो जाएगा, फिर इससे 90 डिग्री रोटेट होगा। नीचे ऑब्जेक्ट मेन्यू है, टैप करके ऑब्जेक्ट को चुन सकते हो। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने से आपका चुना हुआ ऑब्जेक्ट उस जगह पर प्लेस हो जाएगा। इस मूव बटन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। इस बटन से ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो। डिलीट बटन से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। अंडो बटन से आप अपने लास्ट एक्शन को अंडो कर सकते हो। यहाँ से एडिटर सेटिंग्स ओपन होगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ओवरलैप नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट को ओवरलैप करने के लिए ओवरलैप मोड को ऑन करना होगा। ग्रिड ऑन करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रिड की मदद से प्रिसाइजली प्लेस कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का शॉर्ट डिस्टेंस फिक्स्ड होता है। रिप्लेसिंग को ऑन करके आप अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर सकते हो। कॉम्बाइन मोड ऑन करके आप दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एक साथ कंबाइन करके एक बड़े ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। इसे क्लिक करके आप मैप के सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आप अपने पसंद के स्काई को चुनकर चेंज कर सकते हो। सेव बटन से आपका मैप सेव होगा। तो मैप बना लेने के बाद मैप को सेव करना मत भूलना। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने मैप को थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में खेल कर देख सकते हो कि आपका मैप कैसा बना है। इसके बारे में मैं डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ क्लिक करके वापस एडिटर मोड में आ सकते हो। एग्जिट बटन से आप मैप एडिटर से बाहर आ जाओगे। आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करो, और आगे मैं क्राफ्टलैंड ट्यूटोरियल के बेसिक लेसन और एडवांस लेसन वीडियो भी बनाऊंगा। इस लेसन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।